चौथे चरण के प्रचार के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीलीभीत में गरजे योगी, विरोधियों पर बोला हमला। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गोंडा के करनैलगंज में रैली। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी यानी जो कुछ भी बोलती है बहनों भाइयों, कोई माँ का लाल उस पर सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। सुल्तानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली। कहा मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। ये मोदी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पार्लियामेंट में लाकर कानून बना करके मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिला दी, ये भी हमको याद है। यूपी के बांदा में विरोधियों पर जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा पहले जहां कट्टे गोलियां बनती थी वहां गोले बनते हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा विकास हुआ। गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीलीभीत में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश। कहा किसानों को लेकर बने काले कानून हटे, अब योगी भी हटेंगे। हवा देखी उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में, हवा किसकी चल रही है। वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप भाग गए यहाँ से। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा अखिलेश के साथ हमारा आशीर्वाद है, एसपी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और मुझे तो लग रहा है 300 से ऊपर यह गठबंधन सीटें निकालेगी। अखिलेश यादव ने बच्चे का वीडियो ट्वीट कर कहा छोटे सरकार कह गए बड़ी बात। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र पिटा भाजपा के सरकार में। चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। मीडिया के सवालों पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा जनता हमें भूल जाती तो कोरोना संकट में हमें फोन नहीं करती। भूल जाती तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मेरी माँ यहाँ की सांसद क्यों है, तो मेरी दादी यहाँ की सांसद क्यों थी, मेरे पिता अमेठी के सांसद क्यों थे, मेरे भाई अमेठी के सांसद क्यों थे। अगर हम भूल जाते हैं, और अगर हम भूल जाते हैं तो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता जब देश भर में फंसी हुई थी कोरोना के समय, तो उन्होंने हमको क्यों फोन किया, हमको क्यों फोन किया और हमने उनकी क्यों मदद की। रैली में समाजवादी पार्टी पर मायावती ने जमकर साधा निशाना। बीजेपी पर भी किया हमला। यूपी में कल तीसरे चरण की वोटिंग। 16 जिले की 59 सीटों पर कल होगा मतदान। कल अवध बुंदेलखंड के इलाकों में होगी वोटिंग। यूपी के चुनाव में आतंकवाद बना मुद्दा। अहमदाबाद ब्लास्ट मुद्दे पर जमकर हो रही है सियासत। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में यूपी के 10 आतंकियों को सजा मिली है। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसपी पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया। कहा एसपी का आतंकियों से कनेक्शन। अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। अयोध्या के महाराजगंज में एसपी उम्मीदवार बाहुबली अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में भिड़ंत। गाड़ियों में तोड़फोड़ और फायरिंग। बस्ती जिले में बीएसपी उम्मीदवार जहीर अहमद उर्फ जिम्मी को स्थानीय लोगों ने सिक्कों से तोला। कप्तानगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहीर अहमद। बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी का बड़ा आरोप। बीएसपी पर लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। सीएम केजरीवाल ने 12,000 से ज्यादा नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कहा मुझे आतंकी कहा जा रहा है, मैं लोगों के लिए स्कूल अस्पताल बनवा रहा हूँ। जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है।
बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया। आतंकी संगठन जमातुल दावा भी स्कूल और अस्पताल चलाने की दलील देती है, पर उसका सरगना हाफिज मोहम्मद सईद आतंकी है। खालिस्तान समर्थकों से मिल रही धमकी के बाद कुमार विश्वास को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। केजरीवाल पर कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर पंजाब चुनाव में मचा है घमासान। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपूंगा। पंजाब में चुनाव से पहले सिख समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। आज दिल्ली में अपने आवास पर अफगान सिख हिंदू प्रतिनिधिमंडल से पीएम ने मुलाकात की। कल भी सिख समुदाय से जुड़े प्रमुख लोगों से की थी मुलाकात। पंजाब की सभी 117 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से पड़ेंगे वोट। बाधा रहित वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी। पटियाला में 182 संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंजाब की सीएम चन्नी और मानसा के कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज। प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद ही प्रचार का आरोप। सीएम चन्नी के खिलाफ लुधियाना में केस दर्ज। यूपी बिहार के लोगों पर दिए बयान के खिलाफ बिहार के रहने वाले लाल बाबू ने FIR दर्ज कराई। पीएम मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज सिंह और राज्यपाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 100 किसान ड्रोन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। ड्रोन के जरिए किसानों को खेती में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी। जेडीयू में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मचे घमासान पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा जेडीयू में सब एकजुट है। बहुत लोग भ्रम है, सोच रहा है कि इनका ललन जी का और उनका ऐसा कुछ नहीं है, एकदम गलत फहमी है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों के पार्टी और ऐसा तो कोई अलग थोड़ी है, सब एकजुट है। तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव में भी हिजाब पर हंगामा। मदुरई में हिजाब पहनकर आई महिलाओं को बूथ एजेंट ने रोका। तमिलनाडु में 11 साल बाद हुआ स्थानीय निकाय चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल। कहा 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस का आखिरी चुनाव, बाद में मौका नहीं देगी जनता। आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणा ने उद्धव ठाकरे पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। कहा बीएमसी का गलत इस्तेमाल कर रही है शिवसेना। कल नारायण राणा के जुहू वाले बंगले में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बीएमसी ने जारी किया था नोटिस। मुंबई महानगर पालिका को एक ही काम है, राणे का घर का मेजरमेंट लेना, बाकी ये मुंबई सिंगापुर बनाने वाले थे, शंघाई बनाने वाले थे। नारायण राणा के सवाल पर शिवसेना सांसद संजय राउत का पलटवार। कहा धमकियां देना बंद करें नारायण राणे, हम आपके बाप हैं। समझना पड़ेगा केंद्र की सरकार को और एजेंसियों को कि अब डराने का खेल खत्म हुआ है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, दल का नेता इस तरह के डराने वाले खेल से डरने वाला नहीं। शिमला में हुआ भारत बांग्लादेश के बीच 10वें दौर का मैत्री संवाद। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के साथ आर्थिक और व्यवसायिक विषयों पर हुई चर्चा। सीमाओं पर आतंकी घटनाओं की रोक लगाने और रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भी बातचीत हुई। खुल सकता है श्रीनगर लेह हाईवे। पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुई बर्फबारी। 434 किलोमीटर लंबे हाईवे को खोलने की मुहिम तेज। कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद। सिपाही संतोष यादव और चवन रोमित थानाजी ने आतंकियों से लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अभी तक मारे गए आतंकी की पहचान नहीं। फिरोजपुर में फेरी लगाने वाले एक कश्मीरी युवक की मौत से भड़के साथी। 400 के करीब कश्मीरियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद कई लोग दबे। राहगीरों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के झज्जर में दुलीना जेल में गैंगवार के चलते 2 गुटों में खूनी संघर्ष। चम्मच नुमा हथियार से किया एक दूसरे पर हमला। खूनी झड़प में 3 घायल।
पंजाब के गुरदासपुर जिले में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। फतेहगढ़ चुड़िया इलाके में अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। मृतक अकाली समर्थक था और हत्या का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगी। ट्रेन में उस वक्त कोई यात्री सवार नहीं था, नहीं तो हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में 22,000 के करीब नए केस आए हैं। कुल एक्टिव केस 2.5 लाख के करीब। 24 घंटे में 325 नए केस। यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म हुआ। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक था नाइट कर्फ्यू। कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए फैसला। मुंबई में होगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक। 40 साल बाद भारत को मिली मेजबानी। 2023 में होगा बैठक का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने दी जानकारी। 4 मार्च से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा होंगे कप्तान। रोहित को अब तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान।